तो व्हाट्स अप गाइस, मॉन्की टंटन और मैं वापस आ चुका हूं न्यूड साथ। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन्स। तो बेसिकली ये एक एडवेंचर टाइप गेम है और अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा अ प्लेग टेल रेक्यूम एक गेम है जो भी रिसेंटली रिलीज हुआ है। और प्लेग टेल का जो पिछला गेम था प्लेग टेल इनोसेंस वो भी इसी टाइप का है कुछ, मतलब उसमें भी स्टोरी दो कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है जो सिबलिंग्स है। लेकिन मैं जस्ट उसके एग्जांपल के हिसाब से मैंने सोचा, क्योंकि प्लेग टेल के बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी, मैंने सोचा क्यों ना उसके एक सिमिलर टाइप का गेम है इस पर खेलो एंड्रॉयड पे। तो बेसिकली इस स्टोरी में जैसे नाम से पता चल रहा है दो बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स हैं, और वो अपने फादर के लिए, मेरे सब जितना मैंने प्ले स्टोर पढ़ा था उस हिसाब से वो अपने फादर के लिए क्योर ढूंढना चाहते हैं, उनको कोई बीमारी हो चुकी है। तो इस गेम में डिफरेंट ये है कि एडवेंचर गेम तो है ही, पजल्स वजम करेंगे, बट ये थोड़ा सा 3D टाइप का गेम है और इसमें हम दोनों के दोनों ब्रदर्स को एक साथ कंट्रोल करेंगे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था हमने दो कैरेक्टर्स एक टाइम पे कोई कंट्रोल करें नहीं, इसलिए बहुत यूनिक गेम है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओ ग्राफिक्स तो अच्छे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ नेट ऑफ करो। चलो प्लेस सेटिंग्स एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल्स, अरे हाउ टू प्ले हम नहीं देखते, चलो सीधा प्ले करते हैं। चैप्टर सिलेक्ट क्या करें हम, प्रोलॉग, हाँ ऐसे चैप्टर चलेंगे, ठीक है न्यू गेम ही करते हैं, लेट्स गो। ओके अपनी मेन्यू स्क्रीन से चालू होगी, स्किप नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, यार देखना है मेरे को स्टोरी। ग्राफिक्स अच्छे हैं, पुरानी गेम है वैसे। ओके तो ये अपना एक भाई है, इसका क्या नाम है, ऑरेंज भाई, एक ब्लू भाई भी है। व्हाट इज योर नेम सर, बोलेगा कुछ। ओ ये कौन है, इसकी मदर। हाँ बस इतना सा कट सीन था। ओ भाई क्या हो रहा है ये, अच्छा मैं समझ गया, तो मेरे हिसाब से जब इसने हमने हमने जो ग्रेव देखी थी उसकी मम्मी की थी, और उसकी मम्मी तो डूब के मर गई, उसके पापा ही बचे हैं उसका भाई। सैड बट इसका भाई कहाँ है, और ये बोलेगा कुछ। ओ मम्मी की सोल आ गई, ओ मम्मी तो गई, क्या बोला मुझे समझ में भी नहीं आया। वो रही है उसका पापा, ओके इसके फादर हैं, कोई ऐसी रैंडम विलेजर है। मैंने डब तो नहीं कर लिया कहीं डाउनलोड, मई मई पता नहीं क्या नाम बोला इसने, सबटाइटल ऑन करने पड़ेंगे लगता है। ओके तो अपना पहला पजल ये है क्या, ये अंकल को ले जाना है। ओ भाई बिग ब्रदर लिटिल ब्रदर, बिग ब्रदर अपना ऑरेंज है, ये अपना येलो है। चलो तो क्या करूँ, टच एंड होल्ड द जॉयस्टिक टू इंटरेक्ट। अच्छा रुक जाओ, सबसे पहले सेटिंग्स, कंट्रोल्स, अबे इसमें मोनी क्या पैसे तो एक कम कर दें, स्केल क्या होता है, अरे इतना भी नहीं भाई। हाँ इतना चलेगा आई थिंक, ओके चलो लेट्स गो। ओरे ओरे ओरे, अच्छा तो मुझे क्या करना है, ये ऑरेंज वाले से इसको आगे मतलब इससे टर्न करना है, पर ब्लू वाले का यहाँ पे काम नहीं है।
ना ये ऑरेंज वाले से ही टर्न होगा, ब्लू वाले का मुझे लगता नहीं है कुछ करने की ज़रूरत है। नाइस, वो तो यही लग रहे हैं इसके फादर। चलो ओरियो ओरियो नीचे नहीं गिरना। वो आगे तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। ओके संभल कर आराम से, थक जाओ तो ब्रेक ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी एक भाई जाएगा और क्लीवर खींचेगा, मैं समझ गया। आई अंडरस्टूड। तो ब्लू भाई को लेते हैं, क्लीवर खींचते हैं। नाइस, तो बेसिकली ऐसे काम करेगा, मज़ा आएगा। एक बार फिर चलो काम पे लगो, चलिए चलते हैं। लेट्स गो। अच्छा दोनों भाई को करना पड़ेगा कुछ, समझ गया मैं। ये वाला इधर, ये वाला इधर। मतलब क्या? इधर तो अच्छा। ओ समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है। तो मुझे एक भाई को ऊपर भेज के लीवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लू ब्रो अपना, बिग ब्रो, मैं ब्लू ब्लू क्या बोल रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा। अच्छा इसको ऊपर भेजेगा ये। नाइस ब्रो वर्क। अब ये तो ऊपर चला गया, पहले इसको यहाँ ले आते हैं, अपना स्मॉल ब्रो इसको यहाँ ले आते हैं, और इससे पहले तो लीवर ऑन कर लेते हैं। क्या? अरे एक मिनट, वो ये कैसे आएगा ऊपर? दो लोग चाहिए ना लीवर के लिए तो। अरे मैं तो क्या कितना हूँ। ओ रोप, अच्छा मेरे को लग ही रहा था यहाँ की पड़ी है। नाइस भाई, तू नीचे क्यों आना चाहता है, उसको आंधे ऊपर। नाइस लेट्स गो, चलो पकड़ो अपना अपना लीवर, पकड़ो दोनों ये मशीन का। अरे समझ गया मैं, टर्न द क्रैंक। ये 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 लेट्स गो, वी आर ब्रदर्स, वी आर फ्रॉम रसिया। ओके तू इसको आगे से पकड़, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। अगर तुम्हारा फादर है तो हाँ तुम्हें प्रोटेक्ट। अरे कट सीन, वो डॉक्टर आ गया। ओ भाई ओ, मुझे भाषा समझ में आ नहीं रही है, लेकिन चलो गेम खेलते हैं, भाषा कम क्या करें। विलेज में ओ इसके इनके पापा ही हैं पक्का। अरे पक्का कुछ बोलेगा, पहाड़ियों में जाओ और जड़ी बूटी लाओ। भाई तो क्लीशे है भाई, ऐसा होता ही है, डॉक्टर बोलेगा जाओ उधर पहाड़ियों में जाओ, वहाँ जड़ी बूटी मिलेगी उससे ठीक होगा। ओके लैंग्वेज से कुछ पढ़ लेना पड़ा हो, लेकिन कट सीन से हम समझ गए इसने कोई इनको कोई ट्रेजर मैप दिया और बोला पहाड़ियों में जाओ और अपने पापा के लिए जड़ी बूटी लाओ। क्या करूँ पापा के साथ, फादर। एक तो जैपनीज बोल रहा हूँ तो मेरे को सन में भी आए, जैपनीज तो नहीं बोल रहा, ये क्या बोलेगा। अभी जैपनीज तो नहीं बोल रहे पापा नाजी आदा, ये तो थोड़ी सुनी हुई लैंग्वेज है। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स स्टार्ट आर एडवेंचर। चलो विलेज थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं।
क्या चल रहा है गांव में भाई? ब्यूटीफुल है यार, एनवायरनमेंट इसका मस्त है। पानी में चल के देखते हैं एक बार क्या हाल है। ओ नाइस। क्या बोला है? स्विमिंग के लिए? वो इधर चला गया। अरे खुद ही स्विमिंग करनी है तो? अच्छा लिटिल ब्रदर। ओ अच्छा, तो स्मॉल ब्रो से स्विमिंग नहीं होती तो बिग ब्रो स्विमिंग कराएगा। वाह चलो चलते हैं आगे। क्या यार अपने भाई से सीख कुछ। स्विमिंग आती है तेरे बिग ब्रो को? तेरे को क्यों नहीं आती? आगे ऐसे और एडवेंचर आएंगे तो कैसे चलेगा है भाई? चल जा खुश रह। ओ वाइंस, वो चढ़ गया है। मेरे को लगा इसमें भी इसको हेल्प चाहिए होगी। ये कौन भाग रहा है? पकड़ पकड़ पकड़। और मैं खाई जा रहा हूँ। था मुश्किल है दोनों को एक साथ कंट्रोल करना। और मस्ती खोर बंद करके चला गया गेट। क्या कर रहा है? अब बंदी कर दिया उसने तो हमें। तो और कोई रास्ता अपने पास? मैं दिख तो नहीं रहा रास्ता। यहाँ ये ब्रिज दिख रहा है। चलो ब्रिज के ऊपर चलते हैं, कहीं तो पहुँचेंगे। कहीं तो जा रहे हैं हम भी। एक मिनट तो वहीं आ गए, फिर क्या ही मतलब पड़ा। चलो जी ऊपर चलो। और कहाँ जा सकते हैं हम? इसमें मैंने देखा था इमेजेस में एक बॉस भी आएगा। अबे लीवर का आप क्या करोगे तुम? अब तुम्हें वापस उल्टा जाना है क्या? रोप से भी तो जा सकते हो तुम। क्या हाया? भाई क्या कर रहे हो तुम? हाया हाया तुम लीवर नीचे क्यों कर रहे हो? मेरे को बात समझ नहीं आ रही। चलो देखते हैं नीचे करके क्या होगा। उल्टा करना है क्या? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यार, ये नहीं करना अपने को। अंदर चलो वापस, लेट्स गो इनसाइड। कुछ तो बोला ये। अरे बट करना क्या है ये तो बताओ हमें। ये शुड आई गो? इधर कोई रास्ता है नहीं, उसने हमें बंद कर दिया पागल ने। चलो देखते हैं और कहीं रास्ता हो तो। अगर यहाँ से रास्ता नहीं है क्या? अरे बंद है क्या? बंद ही है। अब तो तुम पानी से गए क्यों जब तुम ऐसे भी जा सकते थे? अबे कूद के जाना था शायद। हाँ अरे यार मैं कितना डम्बू भाई। एनवायरनमेंट का मैं ध्यान नहीं रखता। एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं जिनसे। ओ भाई प्रिंस ऑफ पर्शिया निंजा, थोड़ी सी ट्रेनिंग उन्होंने ली है। मैं इतनी देर से बावल की तरह भटक रहा हूँ। जम मारनी है क्या? ओ मस्त, ये मस्त। यस भाई पार्कोर ब्रदर्स हैं। पार्कोर भाई तो बिल्कुल प्रिंस ऑफ पर्शिया कर रहे हैं। चल
चलो ये हेलो बर्ड्स, बताओ मैं इतनी देर से पागल तरह घूम रहा हूँ, वहीं से आना था। ओ व्हाट अ स्लाइड। और कौन था वो जिसने हमें बाहर बंद कर दिया, उसको पकड़ो पहले। अभी तो खुद ही जा रहे हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। स्वाइप टू रोटेट कैमरा। क्या स्वाइप? ओ ऐसे, ये एंगल ठीक लग रहा है। हेलो अंकल, आपकी क्या प्रॉब्लम? क्या था ये? नीचे चलते हैं फिर, और क्या करें, नीचे भी नहीं जा सकते, फिर क्या करें? हाँ यहाँ से सीढ़ी, सीढ़ी भी नहीं है। यहाँ से कहाँ रास्ता है? अच्छा तो गेट बंद ही था। वेयर? अरे ये इससे, अरे तो कोई भी चीज चढ़ने की दिख जाना, चढ़ जाओ। अच्छा तो क्या करूँ मैं, गेट खोलूँ? तो तू क्यों नहीं आ रहा? आता आता कर रहा है। चल अब, ओ स्केयर क्रो से क्या करें? ओ बर्ड, मेरे को लगा क्या कर रहा है, यहाँ जाना है क्या झोपड़े में? नहीं, वेयर हेयर? अरे यहाँ चढ़ना है, समझ गया मैं। ये भाई पूरी ट्रेनिंग करा रहे हैं, आगे कौन से चैलेंज आएंगे उनके लिए। तू भी चढ़। चलो ये अच्छा खासा ट्यूटोरियल दे रहे हैं, क्योंकि आगे ऐसा पक्का होगा अभी तो, और बहुत सारे तगड़े पजल आने हैं जिसमें दोनों का टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, मज़ा आएगा। ओ बैलेंस, गिरा बच्चा वो नाटक जिसने हमें भगा दिया, उसको पकड़ पकड़ पकड़। बिग ब्रो अकेले चले गए, गिरे तो क्या होगा, डेड। ओ ये क्या है, वो डोगी को पकड़ रखा है इसने, ये हमारा पहला विलेन है, इसको हमको पकड़ना ही पड़ेगा। अरे तो घुस गया, तो घुस घुस घुस। अरे हम ये नहीं घुस पाएगा, हम घुस पाएंगे, ये हम ज़्यादा छोटे हैं, ये हम कहाँ आ गए बांध में। उर्रे भैया पिटबुल, ये आई फ्री यू डॉग, ये काट उसको काट उसको, आए मजे भगाना। पड़ गया पीछे, अब लगेंगे 14 इंजेक्शन। ये गेट भी खुल गया ब्रो, बिग ब्रो भी आ जाएंगे अब, आ गया, लेट्स गो। नॉटी बच्चा, टोटल लेसन। आए मजे, हमसे बढ़ेगा भाइयों से ज़्यादा शाना बन रहा था। अरे यहाँ सोते हुए अंकल, इनसे भी मिलते हैं। और अंकल क्या हाल है? अरे अंकल तो नींद में, अब इसका क्या करना है, इससे क्या हुआ? सर खुजा रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा। चलो यहाँ काम नहीं अपना, वो अभी भी डर रहा है क्या? अरे भाई इतने छोटे डॉग से डर रहा है, मेरे को गाय लग रहा है ज़्यादा, डॉग से ज़्यादा। तो विलेजर्स अपना काम करते हुए, वो डॉग्स यहाँ पे बहुत हैं, ये तो खेल रहा है, नहीं तो बिल्ली है सॉरी। थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, चलेगा, इनसे मिलते हैं। ये नाइस, तू खेल अपनी बिल्ली के साथ, तू अच्छा आदमी है। छोटे भाई को नहीं मिलाएंगे अभी, वो ज़्यादा छोटा है बिल्लियों से मिलने के लिए। ओह कितने अंकल सो रहे हैं यहाँ पे, और अपनी भाषा में गाली देगा वो, अच्छा खासा सो रहा था वो। कितने
कहाँ से का भाई, वो ब्रिज का मैनेजर है, तेरे को जाने नहीं देगा वो। व्हाट टू डू हियर? अबे ब्रिज का तो कोई क्रैंक भी नहीं है। अच्छा प्रैंक था भाई। और कोई जाना है क्या? अच्छा इधर फिर यहाँ बैठने से क्या होगा? ओ व्हाट अ व्यू भाई। नाइस, चलो व्यू व्यू बहुत देख लिया भाई हमारा। अपने गोल पे परसिस्टेंट रहो, जो अपने फादर को ठीक करना। बट अब कहाँ से जाएं भाई? कूदना है क्या? से दोनों को बैठाऊं क्या? ये कितना अच्छा व्यू है, ये सर बहुत खुश आता है। बिग ब्रो हो गया तुम्हारा। अब मेरे को जाना कहाँ है? मैं कुछ पक्का इंटरेक्टिव। ये बोल इधर रहा है। अब आता आता तो कर लिया। अच्छा ओ थैंक यू अंकल। भाई देखो कितने अच्छे अंकल हैं, हमने इनको प्रैंक किया फिर भी इन्होंने हमको जाने दिया। मैं सोचूं गुस्सा होगा वो हमको करने नहीं देगा, उन्होंने जाने भी दिया। वो भी सोच रहा होगा चलो बेटा मैंने एक महीने से स्नान किया नहीं था, तुमने ही करा दिया। चलो ओ भाई अब हम विलेज के आउटस्कर्ट्स में आगे लगता है। लेट्स गो। मेरे हिसाब से प्रोलॉग अपना हो चुका है ख़त्म। अब इसके आगे मैं खेले जा रहा हूँ अगले एपिसोड में। तो हाँ वो तो लग ही रहा है कि प्रोलॉग हो चुका है अपना ख़त्म। अब इसके आगे हम करेंगे अगले एपिसोड में। तो मैं अगर अब पर्सनली कहूँ तो अभी तक मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई गेम तक मैंने खेला है नहीं, सुना भी नहीं है, जिसमें हम एक ही टाइम पर दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करें। स्टोरी इसकी नॉर्मल है, अपने फादर को बचाने के लिए जा रहे हैं क्योर ढूंढने के लिए, वो जो भी हो डॉक्टर ने मैप दिया है, नॉर्मल स्टोरी जैसे होता है। और डब की इसमें प्रॉब्लम है आवाज़ की, लेकिन मैं समझ जाऊँगा क्या कह रहे हैं उनके एक्शन से, इतना कोई समझने वाली बात है नहीं। ओवरऑल पजल्स और इसका जो AI है, सॉरी UI है, क्या बोलते हैं, मतलब वो अच्छा है। तो आगे देखते हैं स्टोरी कैसे चलती है। तो एक्साइटेड, अगर अभी अगली वीडियो के लिए एक्साइटेड तो कमेंट कर जरूर बताना। मैं बताऊँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।